राजस्थानी युवा समिति की ओर से राजस्थानी भाषा को राज्यसभा और राजभाषा बनाने की मांग को लेकर आज जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया। समिति के राष्ट्रीय सलाहकार राजवीर सिंह चलकोई ने बताया कि राजस्थानी को राजभाषा का दर्जा मिलने से रोजगार में बढ़ोतरी होगी, साथ ही प्रदेश का मान भी बढ़ेगा। समिति ने अपनी इसी मांग को लेकर कैबिनेट मंत्री महेश जोशी को भी ज्ञापन दिया। आज मैं गोविंद देव जी ने ज्ञापन दियो हाँ कि गोविंद जी सरकार ने सदबुद्धि दे और महाराज हाथों हाथ परचो दिखाए सरकार रा मंत्री सामने आए गया आभार परचो लेवन खातर। तो गोविंद देव जी सदबुद्धि देसी अब सरकार ने और राजस्थानी जल्दी जल्दी राजभाषा को दर्जो मिल सी। अनुच्छेद 345 में जगह विधानसभा राजभाषा को दर्जो दे सके वो सरकार जल्दी जल्दी देवे आ हमारी सरकार मांग है। ई खातर आज कोणे कोणे वाड़ा विद्यार्थी इकट्ठा हुआ है, ये सब छात्र संघ अध्यक्ष आपके साथ में देख रहे हो, ये सब खड़ा है। तो हमारी मांग है कि सरकार जल्दी जल्दी हमारी भाषा ने राजभाषा को दर्जो दे देवे। राजस्थानी युवा समिति लाडला 6 महीनों राजभाषा की मांग कर रही है, पूरे प्रदेश में घूम घूम कर संभाग संभाग में सब जगह जा रहे हैं लोग, कार्यकर्ताओं ने जोड़ रहे हैं, लोगों ने जोड़ रहे हैं इन बात सारूँ और सरकार मांग कर रहे हैं। 6 महीनों में लोग आप बात कर रहे हैं और सरकार हमारी बात मान ही नहीं रही है, सुनी नहीं रही है। इन वास्ते आज सगड़ा युवा बेड़ा और सांतोई विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष और सब युवा एक साथ आ जयपुर का राजा जयपुर का धनी गोविंद देव जी महाराज कने अर्जी लगाने आया हाँ।